वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक और होम्योपैथिक मेडिसिन मायरिस्टिका सेबिफेरा के बारे में बात करने वाली हूँ। बहुत ही इफेक्टिव होती है, एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक एंटीसेप्टिक मेडिसिन होती है जो बहुत अच्छा काम करती है। इवन हिपोसल्फ साइलिसिया जो कि बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक मेडिसिन है उनसे भी अच्छा इसका एक्शन होता है। और छोटी सी मेडिसिन है सिम्टम वाइज, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आज मैं आपको डिटेल में इसी के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से लक्षण प्रेजेंट होने पे कौन कौन सी बीमारियों में आप इसको यूज कर सकते हैं, किस पावर में आपको लेना होता है, साथ ही साथ इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, से आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं मायरिस्टिका सेबिफेरा के बारे में। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, इसको कॉमनली ब्राजीलियन यूकोबा बोलते हैं। इसी प्लांट से बनाई जाती है, जो ब्राजीलियन यूकोबा प्लांट होता है उसके बाग को इंजेक्ट करके एक रेड कलर का जूस निकलता है, उस जूस से इस मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। और ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल एंटीसेप्टिक मेडिसिन की तरह काम करती है। कहीं भी आपको इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, सुपुरेशन हो, यानी कि पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए तो उस केस में इस दवा को यूज किया जा सकता है। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो स्किन सेल्स हमारी होती हैं, जो हमारी पेरिओस्टियम होती है, जो हमारी बोन के ऊपर की मेम्ब्रेन होती है, उनमें कहीं पर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या पस फॉर्मेशन हो रहा तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है ये दवा। जो होती है अगर आपको बार बार कर्बंकल्स हो रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े बॉयल्स हो रहे हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली अगर उन फोड़े फुंसियों में आपको पस भर भर के आ रहा है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही एनल फिस्टुला जो होते हैं, जो भगंदर कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं, उसमें बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आपको मोशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस पास होता है, पस पास होता है, तो उस केस में दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पेनरिसियम में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपको फिंगर्स की जो है, आपकी फिंगर हैं उसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता रहता है, आपके फैलेंजेस में इन्फेक्शन होता रहता है, तो उस केस में आपको वो दवा बहुत ही अच्छे से काम करेगी। अगर आपके फिंगर्स में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, पस फॉर्मेशन होने लगता है, स्पेशली जो आपके टिप ऑफ फिंगर्स होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्वेलिंग और पस इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो उसमें इस दवा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर आपको बॉडी में किसी भी पार्ट में पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में आप इस दवा को ले सकते हैं। पस यानी मवाद को जो है सुखाने का काम करती है और आगे प्रोग्रेस नहीं होने देती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको सर्जरी की नीड हो सकती है पस को ड्रेन करने के लिए, वहाँ पे ये दवा बहुत अच्छा काम कर जाती है और आपको सर्जरी नहीं करानी पड़ती है। तो ऐसे में ये दवा आप यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा ये दवा जो होती है, अगर आपको मिडिल ईयर का इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया है और वो पस फॉर्मेशन हो गया, उसमें से आपको पस निकलता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है, उस केस में अच्छा काम करती है। आपको पैरोटिड ग्लैंड्स के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो रखे हैं तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। टॉन्सिलाइटिस के केसेस में अच्छा काम करती है, स्पेशली अगर आपका जो पेशेंट होते हैं उनका माउथ जो है बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, थ्रोट में टंग जो है ड्राई रहती है और कोटेड रहती है टंग, साथ ही साथ जो टेस्ट होता है बिटर या कॉपरी टेस्ट होता है, तो ऐसे केसेस में दवा बहुत अच्छे से काम करती है। मायरिस्टिका जो होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है किसी भी तरीके के जख्म को सुखाने के लिए। कहीं भी आपको जख्म हो रहा है, फोड़ा फुंसी हो रहा है, कोई भी आपको इंजरी हो गई, वहाँ पे सुपुरेशन स्टार्ट हो गया, आपको पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, तो ये दवा बहुत ही अच्छे से काम करती है। इस दवा को कई बार हिपोसल्फ और साइलिसिया से भी अच्छा काम करते हुए देखा गया है। तो इसको कई बार हम हिपोसल्फ और साइलिसिया पे जाने से पहले ही इसको यूज करते हैं और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर इसके डोजेस की बात करें तो जनरली इसको लोअर पोटेंसीज में लिया जाता है, जैसे कि 6 पावर हो गई, 30 पावर हो गई, उसको आप दिन में 2 से 3 बार 4-4 गोली करके ले सकते हैं, या फिर इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज किया जाता है। मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इसको 10-10 बूंद करके दिन में 2 से 3 बार आधे कप पानी के साथ ले सकते हैं।
एक्सटर्नली भी इसको यूज किया जाता है, स्पेशली अगर आपको फिंगर्स के इन्फेक्शन है या फिर कोई ऐसा है विजिबल आपको पस फॉर्मेशन वाले प्लेसेस हो रखे, कहीं इंजरी हुई वहाँ पे पस हुआ, उसकी ड्रेसिंग करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है फ्रेंड्स। इसका एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो किसी भी ऐसी जगह पे ना रखें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो। साथ ही में जो भी आप बॉटल यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से बंद करके रखें, क्योंकि कई बार ये मेडिसिन जो है इवेपोरेट हो जाती है, आपको लगेगा आप पूरा बॉटल रख के गए थे अभी कहाँ गायब हो गई। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और ये दवा मायस्का सेविफेरा अपने घर में ज़रूर रखिए, अपनी फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखिए। कहीं भी आपको जख्म हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, मवाद बन रही है, उसमें आप इसको यूज कीजिए, उसके रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड, किसी भी डिजीज से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।